इंदौर मंडी भाव। सभी दर्शक, सभी किसान मित्रों को एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग सिमुलेटर यूट्यूब चैनल पर। किसान मित्रों, इंदौर मंडी से प्याज, लहसुन और आलू के भाव की पूरी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। कितना भाव आज तेज़ी मंदी देखने को मिली है इंदौर मंडी में, और लहसुन में क्या बाज़ार है, क्या स्थिति बनी हुई है मंडी में, प्याज में क्या स्थिति है, लेवाली कैसी हैं, कितनी आवक है, पूरी सही विश्वसनीय जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जा रही है। तो किसान मित्रों, सभी से निवेदन है कि शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिए, और जो भी मेरे किसान मित्र, जो भी मेरे भाई इस YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ आपको इंदौर शाजापुर मंडी के साथ साथ खेती किसानी की जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। मेरे अन्य किसान मित्रों तक भी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो किसान मित्रों, चलिए इंदौर मंडी, और आज इंदौर मंडी में जो है लहसुन और प्याज और आलू की क्या आवक देखने को मिली। लहसुन की बात करूं तो 30 से 35 हज़ार कट्टों के बीच में, प्याज में 45 हज़ार कट्टे, 40 से 45 हज़ार कट्टे प्याज में। आलू की बात करें तो 25 से 30 हज़ार कट्टे आलू में आवक देखने को मिली है। ओरल बाज़ार की बात की जाए तो लहसुन में काफ़ी मंदीवाड़ा, प्याज में भी लगातार मंदीवाड़ा ही देखने को मिल रहा है, और आलू में बाज़ार स्थिर है। लहसुन की अगर बात करूं दोस्तों, तो हल्की से हल्की लहसुन जो है 10 रुपये कट्टे से लगाकर आज 3000 रुपये कुंटल तक जो ऊपर ऊपर में बिकी है। प्याज में भी यही स्थिति है, प्याज में भी जो है काफ़ी लेवाली कमज़ोर हैं, लहसुन में भी लेवाली कमज़ोर हैं। आढ़त वाले भैया ज़बरदस्ती जो अब आढ़तियाँ हैं, वो व्यापारियों को ज़बरदस्ती ही प्याज और लहसुन दे रहे हैं, लेवाली इतनी कमज़ोर है। तो प्याज में भी बाज़ार काफ़ी डाउन है। बात करूं सर्वप्रथम प्याज की, तो प्याज जो है प्याज में भी 10-20 रुपए कट्टे के हिसाब से लगाकर, तो ऊपर ही ऊपर में टॉप VIP प्याज 9 रुपए किलो तक बिक रहा है। एक आध लॉट ही 9 रुपए किलो तक बिके हैं, बाकी एवरेज की अगर बात की जाए तो एवरेज में प्याज जो है 6-7 रुपये बिक रहा है, और गोल्टी की अगर बात की जाए तो 2-3 रुपये किलो, और हल्की गोल्टी जो है नासिक लाल प्याज की जैसे, वो तो 1 रुपये किलो ही बिक रही है, और 1 रुपये किलो के भी जो है लेवाल मंडी में नहीं है। और जो छाटन प्याज है वो तो किसान भाइयों के जो है कट्टे किराए के भी नहीं दे रहा है, मतलब कि छाटन प्याज तो ख़राब प्याज जो रहता है अपना, वो मंडी किसान भाई ना ले जाए तो ठीक है, नासिक लाल प्याज की गोल्टी भी ना ले जाए तो ठीक है। तो ये तो हुई प्याज की बात। लहसुन में भी 10 रुपये कट्टे से लगाकर 3000 रुपये कुंटल तक भाव है। सुपर एक्स्ट्रा क्वालिटी की लहसुन 2800 से 3000, एवरेज लहसुन की बात करूँ दोस्तों तो 2000 से 2500 रुपये, हल्की गोल्टी की बात की जाए दोस्तों, छोटी साइज़ की जो गोल्टी रहती है वो 800 रुपये से लगाकर 1000 रुपये, और इसका जो बारीक और गोल्टी रहती है अपनी छोटी से छोटी वाली गोल्टी, वो 1 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है। और जो बहुत ही हल्की लहसुन है जैसे कली वगैरह, बिखरी हुई दाथरा, ये सब तो कट्टे से बिक रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 से 50 रुपये कट्टे तक ही बिक रही है, जो कि किसान भैया का किराया भाड़ा नहीं लग रहा। आलू की बात करें दोस्तों, तो आलू में स्थिर बाज़ार बने हुए हैं। आलू 2 रुपये से लगाकर तो 15 रुपये किलो तक बाज़ार ऊपर एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी के हैं। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी के 1-2 लाट 15-16, एवरेज की अगर बात की जाए तो 9 रुपये से लेकर 12 रुपये, गोल्टी इसकी छोटी आलू की गोल्टी की अगर बात करें तो